एक ही रात में दो जगह चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों ने बोला शराब की दुकान और घरों को बनाया निशाना। चार्ज लेते ही थाना प्रभारी को चोरों ने दी सलामी। घर से हजारों की नकदी वाली सीडी और शराब की दुकान से 16 पेटी शराब सहित अन्य सामान लेकर हुए फरार। चोरों के हौसले बुलंद, आए दिन हो रही है चोरी। तहसील क्षेत्र की कई जगहों पर हो चुकी है चोरी की घटनाएं। हालांकि थाना प्रभारी अखिलेश पाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचने पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दिन भर की मेहनत के बाद कई अहम सुराग सामने आए। सेलमैन में बातचीत के दौरान रजिस्टर में सिर्फ 3 पेटी की चोरी सामने आई है। थाना प्रभारी ने कहा जांच पड़ताल की जा रही है, जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। और एक ही रात में दो जगह चोरी, थाना प्रभारी ने जल्दी खुलासा करने की बात कही। हालांकि थाना प्रभारी अखिलेश पाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कहाँ रहने वाले? क्या घटना हुई आपके घर में? यहीं पास में मकान बनाया था सर जी, उसमें रात में LCD और बैटरा इन्वर्टर जी, कुछ पुराने पीतल के बर्तन और कुछ और सामान सामग्री जो ताला तोड़ के गायब कर दिया है। आंटी है नहीं तो पूरा बताती, चाचा है और यार ट्रकें भी चोरी वोरी हो रही है यार। तकरीबन आपके घर में कितना रुपये चोरी हुई है? अरे वही मानो 70-80 हज़ार रुपये का लगभग नुकसान हो गया। स्थानीय पुलिस आई है? स्थानीय पुलिस आई थी, सुबह जानकारी ले गई जी। डायल 112 भी आई थी जी, वो भी ले गई। इसके बाद मैं भी थाने पर जाके एक अप्लीकेशन दी है, वो बताया कि जांच चल रही है। किसी पर शक है आपको? शक नहीं, ऐसे किस पे कहते हैं शक नहीं है भैया, किसी पे